ये लो भाई, एक ऑर्डर बज रहा है सेक्टर 8 रोहिणी का, 114 रुपये का ऑर्डर है सिर्फ ये, और गणेश लैब लेके जाना है। कि पोर्टर व्हाट्सएप पे आपको कुछ ऐसा मैसेज करके और आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, टीम पोर्टर काइंडली शेयर योर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे हैं? पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, PUC, इंश्योरेंस और व्हीकल RC, तीन चीज़ें मांग रहा है आपके व्हीकल का, जो तीन डॉक्यूमेंट होते हैं, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और RC। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी टाइम हो रहा है, 1 बजने वाला है और अभी मैं निकल रहा हूँ पोर्टर करने के लिए। और आज देखते हैं भाई, आज वही 8-9 बजे रात तक काम करूँगा मैं, लगभग 8-9 घंटे। और 8-9 घंटे में देखते हैं भाई क्या अर्निंग अपना होता है। और अभी मैं ID ऑन करता हूँ, दिखाता हूँ आप सभी को, जैसे ही कोई ऑर्डर मेरे पास आता है। वैसे अभी मैंने एक बार ID ऑन किया था तो एक ऑर्डर बजा था अभी कुंडली का, तो वो मैंने उठाया नहीं, घर पर ही था मैं, तो मैंने उस ऑर्डर को नहीं उठाया। तो अभी ऑन करके देखते हैं भाई कहाँ का ऑर्डर बजता है और कितने का बचता है। तो भाई टाइम देखो, 1:40 हो रहा है और यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आ गया है, 322 रुपये का ऑर्डर है। सेक्टर 3 से पिकअप करके इसको लेके जाना है सोमी नगर साउथ। ये भाई चिराग दिल्ली के पास पड़ता है मेरे हिसाब से, पंचशील पार्क चिराग दिल्ली वहीं पर पड़ता है। और इसका पिकअप देख लो, पिकअप पास से ही है भाई, M2 के लिखा हुआ है, देखो यहाँ से ही पिकअप है, ठीक है। तो वही 500-600 मीटर होगा, 450 मीटर है भाई। तो चलो फटाफट से पहले इस ऑर्डर को पिकअप करते हैं, उसके बाद दिखाता हूँ आप सभी को। और ये है भाई रिंग रोड मॉल, यहाँ से पिकअप किया है मैंने। चलते हैं अब इस ऑर्डर को लेके, ना बैग में रखना, ना बांधना, पॉकेट में रखो और सीधा ऑर्डर लेके चलो, ये सही है भाई। अब यहाँ से चलते हैं हम, वहाँ से तो ऑर्डर मिल ही जाएगा भाई 322 रुपये का। और ये आधे घंटे बाद मेरे पास आया है, आधे से ज़्यादा है ना, क्योंकि 1:10 या कुछ मिनट के आसपास मैं निकला था और तब मैंने ID ऑन किया था। तो गुड़गांव के बजे वो मैंने उठाया नहीं, क्योंकि भाई मुझे गुड़गांव नोएडा इस टाइम पे जाना नहीं है, मैं जाता नहीं हूँ है, मैंने गुड़गांव नोएडा जाना छोड़ रखा है। गाज़ियाबाद चला जाता हूँ, जैसे मोहन नगर, राजेंद्र नगर, इधर के साइड हो गया, लोनी हो गया है ना, तो इधर के साइड में चला जाता हूँ गाज़ियाबाद में, नोएडा, नोएडा आसपास अभी चला जाता हूँ। लेकिन मैं छोड़ रखा हूँ अभी नोएडा गुड़गांव जाना, फरीदाबाद भी छोड़ रखा हूँ, सिर्फ गाज़ियाबाद चला जाता हूँ। तो ये आ गए हम दीपाली चौक, और चलते हैं यार इस ऑर्डर को फटाफट से करते हैं डिलीवर। और एक चीज़ आप सभी को बताना है, पोर्टर में, पोर्टर जो है कई राइडर्स से डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो वो जो राइडर्स हैं वो मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, और कईयों ने मैसेज किया है, 1-2 मैसेज करते तो कोई दिक्कत नहीं, कईयों ने मैसेज किया है कि भैया पोर्टर जो है हमसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, यानी PUC सर्टिफिकेट, RC और इंश्योरेंस मांग रहा है, तो क्या हमें देना चाहिए, ये फ्रॉड है या क्या है, तो वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। और वो जो नंबर है, किस नंबर से मैसेज आपके पास आया हो तो आपको देना चाहिए और किस नंबर से आया है तो आपको नहीं देना चाहिए, वो भी सारा चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगा। तो चलते पहले इस ऑर्डर को लेके। तो भाई यहाँ पर दे दिया है मैंने, 3:04 हो रहा है और ऑर्डर हो गया अपना कंप्लीट, पेमेंट वहीं से मुझे मिल गया था, 10 रुपये पार्किंग के और 322 रुपये ऑर्डर के, तो 332 रुपये मुझे टोटल मिल गया था वहीं से, और इसको ट्रिप कर दिया एंड मैंने। अब यहाँ से देखते हैं भाई क्या मिलता है, 65 रुपये वॉलेट में है मेरे अभी और 0 रुपये अर्निंग दिखा रहा है। आजा भाई अपडेट हो जाओ जल्दी, 1 रुपये वॉलेट में बचा है, 258 रुपये अर्निंग हो गया। तो देखते हैं यहाँ से, नेहरू प्लेस भी पास में ही है और GK भी पास में ही है, तो देखते हैं कहाँ का ऑर्डर मिलता है। तो भाई वहाँ से आ गया मैं शाहपुर जाट सीरी फोर्ट, और यहाँ पर मेरे पास ऑर्डर आ गया है भाई। ऑर्डर कितने का है देखो, 296 रुपये का है, जिसमें 1 रुपये कैश लेना है बस भाई, और 295 रुपये ऑनलाइन पेमेंट है भाई। 1 रुपये मेरा वॉलेट माइनस में है, तो 1 रुपये कैश लेना है, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा, मान लो ना 295 रुपये टोटल ये आ जाएगा फिर कमीशन काट के वॉलेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ऑर्डर है भाई वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का भाई। पिकअप दिखा देता हूँ मैं आप सभी को, तो पिकअप देख सकते हो 120 मीटर है सिर्फ, यानी यहीं से पिकअप करना है भाई, ये देखो यहीं से पिकअप करना है। तो चलो यार करते हैं फटाफट से इस ऑर्डर को पिकअप, दिखाता हूँ आप सभी को क्या सामान है और रूट कितने किलोमीटर का दिखा रहा है। तो भाई यहाँ 3rd फ्लोर से ऑर्डर मैंने पिकअप कर लिया है, ये ऑर्डर है और इसमें भाई कपड़े है, अर्जेंट है तो वो देना है जल्दी से जाके, और ये हम जा रहे हैं भैया ग्राउंड फ्लोर पे। तो फटाफट से ट्रिप स्टार्ट करके उसके बाद दिखाता हूँ आप सभी को इसका डिस्टेंस कितना किलोमीटर का दिखा रहा है। 3rd फ्लोर पे गया था पिकअप करने के लिए, और ये है छोटा सा बैग में ही आ जाएगा ये भाई। चलो भाई ट्रिप अप कर देता हूँ मैं यहाँ से स्टार्ट,
तो ये हो गया स्टार्ट, और इसे लेके जाना है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया द लुम करके है, 296, 300 ही मान लो, 300 रुपये का ऑर्डर है। और रूट देख लेते हैं, 24 किलोमीटर का रूट दिखा रहा है और टाइम 43 मिनट। ठीक है भाई, दूसरा रूट दिखा रहा है, ये देखते हैं। तो ये रूट आ जा भाई, ये भी 24 का दिखा रहा है लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो इस वाले रूट से चलते हैं भाई अपन। ये सीधा ले जा रहा है मुझे रजौरी गार्डन नारायणा धोलक वहाँ होते हुए, ये आ गया NSP होते हुए वजीरपुर फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेना है ना। और यहाँ से फिर निकलते हैं भाई फटाफट से और करते हैं इस ऑर्डर को भी डिलीवर। लो भाई, ये दूसरा ऑर्डर भी हो गया डिलीवर और पूरा ऑनलाइन पेड है। 1 रुपये कैश लेना है तो 1 रुपये क्या ही कैश लूँ यार। देखो ये 296 रुपये, 1 रुपये कह रहा है कैश कलेक्ट कर लो। छोड़ो, 1 रुपये कौन लेगा, पूरे आ जाएंगे, ये वॉलेट में ऐड हो जाएगा। हो गया ये ऑर्डर डिलीवर, अब देखते भैया यहाँ से क्या मिलता है अपने को। अब यहाँ से वही छोटे छोटे ऑर्डर करूँगा मैं। और ये देखो रिठाला रोहिणी, ये त्रिनगर से बज रहा है भाई, कन्हैया नगर से बज रहा है और ले गया कोई 152 रुपये का ऑर्डर। चार चार पाँच पाँच किलोमीटर का पिकअप आ रहा है भाई। ये लो भाई, एक ऑर्डर बज रहा है सेक्टर 8 रोहिणी का, 114 रुपये का ऑर्डर है सिर्फ ये। और गणेश लैब लेके जाना है, 114 रुपये का है पिकअप। देख लेते हैं एक बार कितने किलोमीटर का है, 450 मीटर है सिर्फ, यहीं बगल से पिकअप करना है। राजेंद्र जैन टावर, अच्छा कंप्यूटर मार्केट के पास से है भाई। तो चलो ऐसे पिकअप करते हैं और रोहिणी सेक्टर 8 लेके जाना है गणेश लैब में, देखा हुआ है मैंने ये, तो फटाफट से पिकअप करके दिखाता हूँ आप सभी को सामान। और ये मैसेज आया कि 10 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है हर ऑर्डर पे, कहने के लिए भाई देते थोड़ी ना हो। भाई आज का तीसरा ऑर्डर भी हो गया ये डिलीवर, 114 रुपये कैश ले लिया मैंने। और इसमें से जो है भाई, जो वॉलेट में आए थे मैंने विड्रॉ मार दिया था, 137 या कुछ रुपए मैंने विड्रॉ मारा है। 100 रुपये वॉलेट में ही रहता है आप सभी को पता होगा, तो इसमें से कमीशन कटेगा अब 77 रुपये ये हो गए। और 586 रुपये अपना ये अर्निंग हो गया। तो टाइम देख लो, 5:46 हो रहा है। अभी चलता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए घर पर और फिर निकलता हूँ, आप सभी को बताता हूँ। तो भाई ये ऑर्डर मैंने अभी एक पिकअप किया है और इसे ले जा रहा हूँ मैं अशोक विहार फेस 3 में, लक्ष्मीबाई कॉलेज है वहाँ पे ले जा रहा हूँ। और घर से करीब मैं 7 बजे निकल गया था और 7 बजे मैंने घर पे ही आईडी ऑन किया, आईडी ऑन करते ही ऑर्डर बज गया फेस 3 अशोक विहार का 138 रुपये का। तो मैंने इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करके और ये मैं पहुँचने वाला हूँ, बस 3 किलोमीटर और रह गया है, 9 मिनट और लगेगा। तो इस ऑर्डर को डिलीवर करने जा रहा हूँ मैं। और 6 बजे मैं घर गया था, 1 घंटे घर रुका और 7 बजे निकल गया, तो वही 9, 9:30 बजे के आसपास तक करूँगा काम मैं। तो भाई पोर्टर का ऑर्डर मैंने यहाँ पर इस मार्केट में दिया है, ये लक्ष्मीबाई कॉलेज है और यहाँ पर मैंने सामान दिया है। और यहाँ से मुझे एक ऑर्डर मिल गया है ऑफलाइन ऑर्डर, ये है टैगोर गार्डन का, टैगोर गार्डन का अपना होने वाला है। और ये भी मैंने डिलीवर भी नहीं मार्क किया है, मेरा नेट चल नहीं रहा यार, पता नहीं क्या हो गया, नेटवर्क ही नहीं आ रहा है, नेटवर्क आ रहा है फिर भी नहीं चल रहा है। तो इसे करता हूँ मैं पहले डिलीवर, ये तो हो गया, अब मैप देखते हैं चलता है या फिर नहीं। तो इसको अभी ऑफलाइन कर देता हूँ, हो जा भाई ऑफलाइन, कोई ऑर्डर आने वाला है लग रहा है। ये देखो 30,000 का ऑर्डर आ गया। तो ये जो ऑर्डर है वो है टैगोर गार्डन का भाई, और टैगोर गार्डन में डमीजा डेंटल क्लिनिक है जनता कॉलोनी में। अब चल गया भाई, वहाँ लेके जाना है। तो 11 किलोमीटर का इसका रूट है और ये और भी शॉर्ट हो सकता है, अगर यहाँ से देखूँ मैं तो 9.7 किलोमीटर का रूट हो रहा है और यहाँ से 11, तो यहाँ से चलते हैं भाई 9.7 किलोमीटर का रूट। और इसका जो पैसा मुझे मिलने वाले हैं वो भी भाई मैं आप सभी को बताता हूँ। तो इसका जो है कस्टमर ने पोर्टर पे देखा, तो पोर्टर पे इसका जो फेयर दिखा रहा है वो 160 रुपये दिखा रहा है। तो जो मैं ये ऑर्डर लाया था पोर्टर का वो 140 का था, और ये जो मैं ऑर्डर ले जा रहा हूँ भाई दोनों सेम डिस्टेंस ही, लेकिन देख लो 140 में से भी मुझे कमीशन, 138 में से भी कमीशन काट के फिर मुझे मिला। और ये जो ऑर्डर अभी मैं ले जा रहा हूँ ये सेम डिस्टेंस है,
9.5 किलोमीटर का मुझे 160 रुपये मिल रहा है, इसमें से मुझे 1 रुपये भी कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो ऑफलाइन ऑर्डर में यही फ़ायदा होता है भाई। यहाँ पर आया तो कस्टमर बोले कि एक ऑफलाइन ऑर्डर है टैगोर गार्डन का, वो भी ले जाओ। मैंने कहा और क्या भैया इसमें क्या पूछना, लाओ दो। ऑफलाइन ऑर्डर में क्या पूछना है भाई, ऑफलाइन ऑर्डर में अपना कमीशन बचता है, कमीशन बचता है तो जो कमीशन होता है ना उससे पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है, जितने दूर हम जाते हैं उसका पेट्रोल उसी में कवर हो जाता है। तो और अगर कमीशन भी देना हो तो उसमें से तो पहले कमीशन कटेगा, फिर उतने दूर का भाई पेट्रोल जो जलेगा उसका खर्चा निकालो, तो फिर बचता कुछ भी नहीं है। और ये जो ऑफलाइन ऑर्डर मैंने लिया है 160 रुपये 10 किलोमीटर का टैगोर गार्डन, फिर वहाँ से तो भाई ऑर्डर मिल ही जाते हैं, रास्ते में जाम लगा हुआ है बस। और ये पंजाबी बाग का ही जाम है, यहाँ का जाम भाई हमेशा कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। ये अपने को जनता कॉलोनी में लेके जाना है, विराट विशाल सिनेमा जो है ना, विशाल सिनेमा के रोड से अंदर, विशाल सिनेमा रोड है ना उससे 500 मीटर अंदर ही, आधा किलोमीटर के आसपास जनता कॉलोनी है, वहाँ पर लेके जाना है। और कस्टमर नंबर से मैंने करंट लोकेशन मंगा लिया है और मेरा नेट चल नहीं रहा था, तो कस्टमर ने खुद ही चेक करके बोला कि 160 रुपये आ रहा है, आप 160 रुपये वहाँ से ले लेना। और अभी मैंने चेक किया तो भाई 9.5 किलोमीटर है। तो ये फ़ायदा होता है भाई अपने को। तो भाई ऑफलाइन ऑर्डर मैंने यहाँ पर कर दिया डिलीवर, और यहाँ पर पोर्टर ऑन कर देता हूँ। पोर्टर में 700 रुपये के आसपास का अर्निंग हो चुका है, तो अपना जो टोटल अर्निंग हुआ है 700 ये और 160 यानी 860 रुपये का अर्निंग हो चुका है, 860 के आसपास का। तो अब यहाँ से देखता हूँ 49 रुपये वॉलेट में है मेरे, और यहाँ से देखता हूँ एक और ट्रिप मिल जाए 150-200 का रोहिणी के साइड का, तो ये अपना पूरा 1000 रुपये का अर्निंग कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं भाई टैगोर गार्डन जनता कॉलोनी शिवाजी विहार नई दिल्ली, यहाँ पर हूँ मैं। तो देखते हैं कुछ मिलता है अभी ये यहाँ से या फिर नहीं। टाइम बताऊँ तो आप सभी को 8:48 हो गया, तो वेट करता हूँ, दिखाता हूँ आप सभी को जैसे ही कोई ऑर्डर मेरे पास आता है। तो भाई अभी मैं आ गया हूँ पीतमपुरा, और टैगोर गार्डन से ऑर्डर बज नहीं रहा था तो मैं पीतमपुरा आ गया धीरे धीरे, और टाइम भी हो गया 9:41 हो रहा है, 10 बजने वाला है, तो मैं आ गया। मैंने कहा धीरे धीरे चलते हैं यार। तो अब मैं आप सभी को वो बता देता हूँ जो मैं बताने वाला था, मैं भूल गया था, लेकिन अभी आप सभी को बता देता हूँ कि पोर्टर व्हाट्सएप पे आपको कुछ ऐसा मैसेज करके और आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, टीम पोर्टर काइंडली शेयर योर व्हीकल डॉक्यूमेंट्स। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या मांग रहे हैं, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, PUC, इंश्योरेंस और व्हीकल RC, तीन चीज़ें मांग रहा है आपके व्हीकल का, जो तीन डॉक्यूमेंट होते हैं इंश्योरेंस, पॉल्यूशन और RC, ये तीनों चीज़ मांग रहा है। तो ये पोर्टर ने जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करके और डॉक्यूमेंट मांग रहा है, ऐप के थ्रू नहीं मांग रहा। तो इसी वजह से कई राइडर्स ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछा भी था कि भैया ये ऐसा मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे पोर्टर की तरफ से, क्या इनको डॉक्यूमेंट भेजना सही रहेगा, क्या ये हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं होगा या फिर हमारी ID बंद तो नहीं होगी। तो यही चीज़ें अब मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वो नोट कर लो, 9531177570। ये जो नंबर है ये नंबर आप देख सकते हो, पोर्टर लिखा हुआ आ रहा है, और ये जो नंबर है ये व्हाट्सएप पे ये बिजनेस अकाउंट है। और इसे जब मैंने ट्रू कॉलर पे चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ये पोर्टर सपोर्ट का नंबर है, एक तरीके से ये पोर्टर सपोर्ट का भी काम करता है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो इस नंबर पर, ठीक है, तो या फिर चैट आप कर सकते हो व्हाट्सएप के थ्रू, यहाँ पर आप व्हाट्सएप के थ्रू इनसे चैट कर सकते हो कंपनी से, ये एक सपोर्ट नंबर भी है। तो आप यहाँ से इस नंबर को सेव कर लो, सेव करने के बाद अगर कभी आपको कोई दिक्कत आता है अपने ID से रिलेटेड तो आप यहाँ से वो चीज़ें पूछ सकते हो। और बात होगी डॉक्यूमेंट शेयर करने का, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो भाई जो नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है आप सभी को, इस नंबर से अगर आया है तो आप बिना किसी परेशानी के डॉक्यूमेंट शेयर कर दो। और गवर्नमेंट का ये रूल अब आया है कि हर एक कंपनी को अब अपना जो भी राइडर्स है उनका व्हीकल डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पोल्यूशन, RC और इंश्योरेंस हो गया, जैसे जोमेटो स्विगी ने भी कुछ दिन पहले से ही मांगना चालू कर दिया है। और ये पिछले 1 महीने से पोर्टर सभी को मतलब एक एक करके मैसेज कर रहा है कि आप अपना व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स हमें भेज दीजिए। और ये भेजना भाई ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है, नियम ही कुछ ऐसा बनाया गवर्नमेंट ने
कि सभी जो भी व्हीकल अटैच है उनका पोल्यूशन आरसी इंश्योरेंस चाहिए। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा जोमेटो और स्विगी जैसे कंपनी भी आपसे आपके व्हीकल का डॉक्यूमेंट मांग रहा है, लेकिन वो ऐप में मांगता है, लेकिन पोर्टर आपसे व्हाट्सएप पे मांग रहा है। तो राइडर्स का डाटा रखने के लिए गवर्नमेंट कंपनी को फोर्स कर रही है, तो कंपनी भी आप सभी को इस तरीके से मैसेज कर रही है। तो आप बिना किसी दिक्कत के अपना डॉक्यूमेंट आप शेयर कर सकते हो, आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेफ रहेगा। और ध्यान रखना कि उसी नंबर से आना चाहिए, नंबर आप सभी देख लो ध्यान से, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा देता हूँ 9531177570। इस नंबर से अगर आपके पास आया है व्हाट्सएप पे मैसेज तो आप जो डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले आपके पास कॉल आया होगा पोर्टर की तरफ से कि आपको अपना डॉक्यूमेंट शेयर करना है, आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आप भाई ये डॉक्यूमेंट पूरा शेयर कर सकते हो। बात कर लेते हैं भाई अर्निंग का, तो अर्निंग मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। पोर्टर में हमारा 4 ट्रिप कंप्लीट हुआ है जिसमें 696 यानी लगभग 700 रुपये का अर्निंग हुआ है, और 160 रुपये मेरा ऑफलाइन एक ट्रिप, तो 860 रुपये अर्निंग हो गया। 860 रुपये में से 160 रुपये पेट्रोल का हटा दो, 700 रुपये मेरा टोटल अर्निंग यहाँ पर बचता है। और अब टाइम हो गया तो मैं निकल रहा हूँ घर, और 1 बजे के आसपास निकला था मैं, 1 बजे से 9-10 मान लो, जाते जाते 10 बज जाएंगे, तो वही 9 घंटे के आसपास काम किया मैंने, 1 घंटा ब्रेक, तो 8 घंटे के आसपास काम किया, 860 रुपये का काम हुआ पेट्रोल, और कमीशन काटने के बाद मेरा जो टोटल अर्निंग बचा वो 700 रुपये बचा। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।